आप चाहते हैं बीजेपी जीरो बन जाए, बहुत बड़ा हीरो बन गया कोई कुछ नहीं करके, मीडिया का सपोर्ट में और नैरेटिव बना के, खाली झूठा बात कह के, फेक वीडियो बना के और गुंडा गद्दारी करके, ऐसा नहीं चल सकता है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्णवाल। विपक्षी एकजुटता को लेकर नीतीश कुमार बंगाल दौरे पर है, जिसके बाद वो उत्तर प्रदेश भी जाएंगे, वहां पर भी उनकी अखिलेश यादव से मुलाकात होनी है। लेकिन ममता बनर्जी से बातचीत के बाद ममता बनर्जी ने उन्हें सकारात्मक आश्वासन दिया है। नीतीश कुमार ने भी कह दिया है कि मुझे ममता बनर्जी से बातचीत करने के बाद पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है। वहीं इसको लेकर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर काफी आक्रोश जताया है। उन्होंने कह दिया है कि बीजेपी वाला तो बहुत हीरो बन रहा है ना, अब देखिए उनको कैसे जीरो करते हैं। क्या कुछ कह रही है ममता बनर्जी बीजेपी को लेकर और विपक्षी एकजुटता को लेकर, चलिए आपको सुनाते हैं। लेकिन पहले एक साथ में एक मैसेज कर देना है कि हम लोग सब एक साथ में है। हमारा तो हम तो पहले से आप लोगों को कह चुका कि हमारा इसमें कोई ऐतराज नहीं है। हम चाहते हैं बीजेपी जीरो बन जाए, बहुत बड़ा हीरो बन गया कोई कुछ नहीं करके, मीडिया का सपोर्ट में और नैरेटिव बना के, खाली झूठा बात कह के, फेक वीडियो बना के और फेक बात करके और गुंडा गद्दारी करके, ऐसा नहीं चल सकता है। तो इसी के लिए नीतीश जी सबको साथ बात करेंगे, हम भी बात कर रहे हैं, तो एक साथ में मिल के हम लोग चलेंगे। हमारा कोई पर्सनल ईगो का कोई बात नहीं है, हम कलेक्टिवली एक साथ में काम करने चाहते हैं, यही मैसेज है। आई थिंक इट इज ओके। तेजस्वी कुछ बोलो। नहीं नहीं हो गया, बात हो गई तो ठीक है। थैंक यू। आई थिंक यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन। एक जन दो जन बेशी ना बोलो। हेलो, তোমরা কিন্তু ন্যারেটিভ করে নেগেটিভ করবে না, বিজেপি শিখিয়ে দিলে। ফর্মুলা নিয়ে কিছু আলোচনা হলো কিভাবে করতে হবে, তার ফর্মুলা নিয়ে কিছু আলোচনা হয়েছে? সবাই মিলে বসলে তবে তো আলোচনা হবে। লেট देम সিট টুগেদার, দেন দে উইল ডিসাইড দ্য নেক্সট কোর্স অফ অ্যাকশন। এ এ নাই কি বলছে? আঞ্চলিক দলগুলো থেকে কোনো মুখ উঠে আসুক, এই সব বিষয় নিয়ে কোনো কথাবার্তা হয়েছে কি? এই দেখুন, এগুলো আপনাদের চিন্তা করতে হবে না। অল আর টুগেদার, অল আর টুগেদার, দেশ কা জনতা লড়েঙ্গে বিজেপি কা সাথ, এন্ড অল পার্টি উইল ওয়ার্ক টুগেদার। Was there a discussion on 1:1 formula against the BJP across all seats in the country? देखिए, जब बैठेंगे बात करेंगे तब ये सब बात में डिस्कशन होगा। अगर थीम क्लियर है, विजन क्लियर है, मिशन क्लियर है, तो ये सब बात पे कोई गड़बड़ नहीं होगा। तो सुना आपने ममता बनर्जी को, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है कि विपक्षी दल जो है वो एकजुट हो जाए। तो देखा जाए तो एक तरह से ममता बनर्जी ने सकारात्मक आश्वासन दिया है, पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है नीतीश कुमार का। कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी क्या करेंगी, क्योंकि उन्हीं को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि ममता बनर्जी ने पहले ही कह दिया था कि मुझे कोई गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ना है। और ऐसे में ये भी है कि ममता बनर्जी बहुत जिद्दी हैं, जिसको लेकर कहा जा रहा था कि क्या वो नीतीश कुमार का समर्थन देगी। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार वहां पहुंचे, उनसे बातचीत की और बातचीत के बाद पॉजिटिव रेस्पॉन्स निकल कर सामने आया, तो ऐसे में ममता बनर्जी ने भी ये कह दिया है कि बीजेपी वाले से अब पूरे देश की जनता त्रस्त हो चुकी है, बीजेपी वाले जो है वो बहुत हीरो बन रहे हैं, उन्हें जल्द ही हम लोग जीरो कर देंगे। तो इसको लेकर आगे की रणनीति भी तैयार की जाएगी, ममता बनर्जी ने उसको लेकर भी जानकारी दी। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।